आप लोग मीशो से कभी भी शॉपिंग मत करना अगर आपको अपने पैसे प्यारे नहीं हैं तो। हॉल में देखेंगे कि आप मतलब कितने कम पैसों में कितनी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और कितने रिजनेबल प्राइस में। गाइस क्यों नहीं करते हो आप लोग शॉपिंग मीशो से? मतलब मीशो को यार ऐसे ही बदनाम कर रखा है कि वहाँ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैंने जो भी चीज़ें खरीदी हैं उनमें से मतलब एक आधी चीज़ छोड़ के सारी की सारी एकदम अमेजिंग वर्क कर रही हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मीशो हॉल, और मीशो पर अभी सेल चल रही है तो मैंने बहुत सारे सामान ऑर्डर किया है, और उसमें से कुछ सामान है जिसका मैं रिव्यू आज आपके साथ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फिर। तो सबसे फर्स्ट आइटम है ये, इसमें मैंने ज़्यादातर सब खोल लिया था क्योंकि वो देखना था मुझे कि कैसा है। तो ये हैं मेहंदी स्टिकर्स। गाइस मैं सच में इनको बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई करने का सोच रही थी, और अभी करवा चौथ आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं इनको, क्योंकि एक हाथ में तो फिर भी मेहंदी लग जाती है खुद से, लेकिन दूसरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो ये डिज़ाइन देखिए, अच्छा फ्रेंड्स जैसा ना दिखा रहे थे उसमें जो फ़ोटो लगा हुआ था तो वैसा तो नहीं लग रहा है एग्जैक्ट, मतलब उसमें बहुत बारीकी से ये सारी डिटेलिंग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए उतना अच्छा मतलब नहीं दिख रहा है। अब लगाने के बाद जैसा भी लगेगा मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी में शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप एक बार वहाँ चेक कर लेना। और अभी तो सही लग रहा है, चार आए हुए हैं, ये चार का सेट है, और इन सब के मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम ये है हिना स्टिकर्स, और दूसरा आइटम चेक करते हैं। और यस ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है गाइस, इसका शेप कैसा लग रहा है बताओ जल्दी से, सैंडविच जैसा लग रहा है ना। पहले मैंने देखा, मैंने सोचा ये क्या मैंने ऑर्डर कर दिया, फिर जब मैंने उसको देखा तो यस ये हाइट मेज़र करने वाला है। मेरे यहाँ दो किड्स हैं गाइस, आपको पता होगा, तो उनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है, हो रही है, बहुत टेंशन रहती है। तो मैं बीच में चेक करने के लिए मैंने सोचा एक बार ये चीज़ ऑर्डर करके देखते हैं। तो इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ फटाफट आपके सामने, ये देखिए ये 2 मीटर का है ना। तो इसमें ये चीज़ ना, यहाँ पर 3 इसमें ये नट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे और इसको वॉल में अटैच करना पड़ेगा, और ये चीज़ बाकी ये चीज़ नीचे मूव होगी, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन इजी है, बस थोड़ा सा मतलब दीवार में होल हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है। और इसमें ये सारे नंबर्स ना, ये जैसे टेप मतलब आपको इसको ग्राउंड लेवल से पहले लगाना पड़ेगा जिस हाइट पे उसमें 0 आ जाए, जब तक यहाँ 0 आएगा उतनी हाइट पे आपको इसको अटैच करना है, और फिर ये ऐसा टंगा रहेगा, जब भी आपको हाइट नापनी है तो ऐसे करके ऐसे इसको खींचना पड़ेगा। बस इसमें ये दी हुई हैं स्टेप्स कि आपको कैसे लगाना है, ये माउंट करना है। तो अभी मैं इसको जब लगाऊंगी तो आपको शायद स्टोरी में दिखाऊं इंस्टाग्राम की, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। तो ये है, इसके लिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी सच में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये काम कर गया ना तो इससे अच्छी कुछ भी चीज़ नहीं है। लाइक आप इसमें हैं बटन्स, और ये है गन, इसकी गन बोलेंगे आई गेस इसको, या जो भी बोलेंगे, मतलब इसमें ये बटन्स ऐसे रखो और प्रेस करके मतलब ये कपड़ों पे लग जाएंगे, वो चिटपिट बटन रहते हैं ना, मतलब जो शर्ट में छोटे छोटे बच्चों की शर्ट्स में आ जाते हैं लग के, तो उस टाइप के ये बटन है। तो मैं सोच रही थी ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो इसको एक बार ट्राई करती हूँ। लेकिन गाइस मैंने इसको बहुत ट्राई किया कल, मैंने नेट पे भी वीडियोस देखे इसमें, क्योंकि कुछ मैनुअल वगैरह नहीं निकला था कि कैसे आपको यूज़ करना है, तो मैंने बहुत सारे नेट पे वीडियो भी देखे इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन इसका एक साइड का मतलब ऊपर वाला जो रहता है वो फिर भी लग जा रहा है, लेकिन नीचे वाला तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मतलब डबल कपड़े पे भी लगाया मैंने, सिंगल पे भी लगाया, और थोड़ा सा मतलब जैसे हम कहीं बॉर्डर पे लगाते हैं तो बॉर्डर थोड़ा सा बेसिकली मोटा रहता है, तो वहाँ पर भी लगा के देखा, मतलब हर जगह मैंने ट्राई कर लिया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से। और इसका मैं लिंक डाल दूँगी ताकि आप इसको बिल्कुल परचेज़ मत करना, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे डले हुए हैं,
लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। मे बी दूसरा वाला किसी दूसरे से आप ऑर्डर करके देखना तो वो शायद वर्क करे, क्योंकि मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। लेकिन मैंने इसको आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग ये वाला प्रोडक्ट ना परचेज़ कर लें सेम जगह से जहाँ से मैंने किया हुआ है। मतलब मीशो में बहुत सारे बायर्स अवेलेबल रहते हैं, राइट? तो वहाँ से आप, जहाँ से मैंने किया है मैं लिंक डालूंगी, वहाँ से आप मत करना, ठीक है? उसके अलावा फिर दूसरा कोई ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है लेकिन ये अच्छा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये चार्जर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है गाइस, ये मतलब मुझे 100 रुपीज़ के आसपास कुछ पड़ा है शायद से। कहीं भी एक सॉकेट है और आपको मल्टीपल चीज़ें चार्ज करनी है या लगानी है सेम टाइम पर, तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया, तो मैंने इसको भी ऑर्डर किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात है ये, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के चार्जर भी इसमें लग जाते हैं इजीली, तो मैंने इसको भी ऑर्डर किया है। इसकी जो डोरी है उसकी लेंथ अप्रॉक्स 5.5 फीट है, मतलब मेरी हाइट जो है, मेरी 5'3" है, तो उससे ज़्यादा बड़ा है ये, थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे लगता है ये 5.5 से बड़ा ही होगा इसकी लेंथ डोरी की, तो मतलब सफिशेंट लेंथ है, ऐसा छोटी नहीं है लेंथ। और ये भी अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब मैंने इसको यूज़ करके देख लिया है और अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ओके गाइस, लास्ट है ये सूट जो मैंने वेयर किया हुआ है। इससे मैं मतलब, मुझे बिल्कुल भी सही बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा निकलेगा इतने रीजनेबल प्राइस में। ये विन विन प्रोडक्ट है गाइस, बिना देर करे खरीद लीजिए। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मेरे से मत बोलना कि भाई तुमने बताया नहीं पहले, ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके देखिए मैं डिटेलिंग्स दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसका पूरा नेक है, और जब आप इसका प्राइस सुनोगे ना तो आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी डील है। ये देखिए इसकी मतलब काफ़ी अच्छी लेस की, लेस का वर्क है इसमें, और इसके हाथों पे भी काफ़ी अच्छा वर्क है, और लिंक भी शेयर कर दूंगी। देखिए ये फ्रॉक स्टाइल में है, देखिए फ्रॉक स्टाइल में, बस इसका जो शरारा है वो थोड़ा सा मतलब हाइट उसकी कम है मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी हाइट 5'8" है और 5'1" तो आपको शायद से परफेक्ट आएगा। इसकी हाइट मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी ऊंची लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इतनी रिसेंट प्राइस में मैं इसको भी काम कर लूँगी, टेलर भैया के पास ले जाके देखती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा शायद से। अगर नहीं भी होगा तब भी मैं इसको, इसकी कुर्ती और ये दुपट्टा गाइस देखिए कितना बड़ा है, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा सा दुपट्टा दे दिया है इसमें, कितना प्यारा। और इसमें भी पूरी लेस लगी हुई है दुपट्टे पे, ये स्टॉल टाइप का है, मतलब अब इसको ईजली ऐसे लाइक ऐसे यहाँ से लगा के ऐसे, और फिर ऐसे सर्दियों में अच्छे से डाल सकते हो, मतलब आपको ठंड भी नहीं लगेगी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, इसको मतलब मैं आपको 101% रिकमेंड करूँगी, आप जाके जल्दी से परचेस कर लेना, नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिटिंग भी बहुत प्यारी है, तरफ से ये 101% रिकमेंडेड है। लाइक इसकी फिटिंग बहुत प्यारी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्राइस के हिसाब से ही मुझे शायद 600 के आसपास कुछ है, मतलब अगर आप लेने जाओगे अभी शॉप पे तो, मतलब बता रही हूँ मैं, स्टॉल आपको 300 रुपये की मिलेगी ऐसी, शायद 300 से भी ज़्यादा, इसमें आपको 600-650 रुपये में अगर आपको सूट पूरा मिल जा रहा है तो क्या ही बुरा है गाइस, और वो भी स्टिच किया हुआ है, समझ रहे हो? बहुत ही प्यारी डील है, फ़ौरन ले लेना नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक। अच्छा गाइस, अब आप लोग बताना मुझे कमेंट में आपको सबसे यूज़फुल और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इन सब प्रोडक्ट्स में से जो आप परचेस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और शेयर कर देंगे तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एज यूजुअल। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।